जीवन मंत्र योग अध्यात्म और आयुर्वेद की वो त्रिवेणी है जिसके संगम से आपका जीवन बनेगा सुंदर, स्वस्थ, निरोग और संपन्न। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये एक विश्वसनीय चैनल है जिसमें बताए गए नुस्खे वैद्यों की राय के मुताबिक होते हैं। आज हमारे साथ एक बार फिर से उपस्थित हैं जाने माने वैद्य जी आर निवास जी। आज आर निवास जी बात कर रहे हैं दांतों से खून आने और मुंह से बदबू आने की बीमारी को कैसे ठीक किया जा सकता है इस पर। ये पायरिया की बीमारी भी हो सकती है। आयुर्वेद में पायरिया, दांतों से खून आना और बदबू का इलाज बहुत ही आसानी से किया जा सकता है और इसे जड़ से खत्म भी किया जा सकता है। तो आइए हम सुन लेते हैं वैद्य जी आर निवास जी को और जान लेते हैं कि हम इस परेशानी से कैसे निजात पा सकते हैं। वैद्य जी, लोगों की बड़ी समस्या है कि उनके दांतों से जब वो ब्रश करते हैं या फिर कुछ ऐसा ठोस फ्रूट खाते हैं तो खून निकलता है। जो भी लोग थोड़ा सा केला जैसा सॉफ्ट फ्रूट भी खाते हैं तब भी उनके केले पे कुछ बूंदें, कुछ तत्व छोटा सा खून का चुपक जाता है, ब्लड निकल आता है। वो बात भी करते हैं, अगर जोर जोर से वो वार्तालाप कर रहे होंगे तो भी उनके जो है ना वो ब्लड दिखाई देने लग जाता है। सबसे पहले तो पायरिया विटामिन सी की कमी के कारण। अच्छा, तो इसे पायरिया कहते हैं। पायरिया जो मसूड़ों से, दांत में से नहीं, मसूड़ों से जो है, क्योंकि वो ढीले हो जाते हैं उसमें सड़न हो जाती है, कृमि हो जाते हैं, बदबू भी आती है उसके अंदर, क्योंकि पस बनता है। तो जिन लोगों को मतलब लोगों में बातचीत करते समय शर्म महसूस होती है, वो जब बात करते हैं तो लोग कहते हैं इनके मुंह से बहुत बदबू आती है, उन सबके लिए क्या उपाय बताना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले है जो हर व्यक्ति कर सकता है, हर व्यक्ति जिसको कर सकता है और कहीं दूर नहीं जाना है, एक नींबू के चार टुकड़े कीजिएगा। एक नींबू के चार टुकड़े करने के बाद में पहले इस तरफ, फिर इस तरफ, फिर इस तरफ, फिर इस तरफ, डेली जो है कुछ दिन तक लेंगे, विटामिन सी की कमी पूरी हो जाएगी, जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। और वैसे भी जो है जख्मों को हील करने के लिए विटामिन सी हमेशा दी जाती है। तो ये नींबू का जो आपने टुकड़े बताए, आपने चार टुकड़े करने को बोला, हाँ जी, तो इनको दांतों पे गाल के नीचे लगाना है? नहीं, दांतों के बीच में रख करके और फिर उसको चूसना है, फिर दूसरी तरफ रखेंगे, फिर चूसेंगे, फिर इस तरफ रखेंगे, फिर चूसेंगे, तो उसका रस जो होगा, पूरा विटामिन सी मसूड़ों को लगना चाहिए। कैसे भी करें? उंगली से भी कर सकते हैं? उंगली से नहीं कर सकते, उसको चूसना है, चूसने से वो डायरेक्ट मिलेगा ना उसको जी। और दूसरे नंबर पे एक मंजन, वो भी बहुत सस्ता उपाय है, संतरे खाते हैं और अब संतरा तो बहुत आएगा, संतरे का छिलका एक तरफ टोकरी में रखते रहिएगा और संतरे के छिलके को माम दस्ते में कूट करके और उसमें जो वो पाउडर तैयार होगा सुखा के उन्हें, हाँ, जो पाउडर सुखा करके जो तैयार होगा उसके अंदर उतनी ही हल्दी, फिर पाउडर तो कम हो जाएगा, उतनी हल्दी, उतना नमक और कलौंजी का तेल वो लाके रख लीजिएगा घर के अंदर। ये तीन चीजें हुई, संतरे का छिलका, संतरे के छिलके के बाद में नमक और हल्दी, तीन चीजें हुई। हल्दी एंटीसेप्टिक हो गया, वो इसके अंदर फिर कलौंजी का तेल डाल करके पेस्ट जैसा बना लें। अब इसमें मात्रा बताने की आवश्यकता नहीं है, जितना आप करेंगे या पूरा परिवार करता है तो कटोरी में, प्याले में, किसी में भी जो है वो पाउडर डालिए, उसमें वो डालिए, पेस्ट बनाइए और कीजिएगा, देखिए दांत मोती की तरह से चमकेंगे। यदि आप उसमें मुक्ता शुक्ति यानी सीप की भस्म भी एक चुटकी भर डाल दें तो दांत मोती की तरह दिखाई देंगे और पायरिया का नामो निशान नहीं रहेगा। तरीका एक बार फिर सुन लीजिए। संतरे के छिलकों को सुखाकर इमान दस्ता में कूटकर
छिलकों के पाउडर की मात्रा के बराबर की मात्रा में हल्दी मिलाकर और उतनी ही मात्रा में नमक मिलाकर पाउडर बनाकर रख लें। साथ ही बाजार से असली कलौंजी का तेल लेकर आएं। रोजाना उस पाउडर को लें और उसमें कलौंजी का तेल मिलाकर पेस्ट बनाकर दांतुन करें। ब्रश करते समय ध्यान रखें कि हल्के हाथ से ही ब्रश करें। अगर उंगली से कर रहे हैं तो भी आराम से कम 10 मिनट तक दांतुन करें। कुछ ही हफ्ते करने से आपके मसूड़ों से निकलने वाला खून, मुंह की बदबू और दांतों का पीलापन ठीक हो जाएगा। तो ये थे वो उपाय जिनके करने से आप डायरिया, दांतों से आने वाले खून और मुंह की बदबू का इलाज कर सकते हैं। वैद्य जी द्वारा दी गई ये जानकारी स्वास्थ्य के प्रति शिक्षित करना मात्र है। जीवन मंत्रा में आज इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए विषय के साथ। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप भविष्य में इस तरह के वीडियोस यूं ही देखते रहें।